हे गाइस, मेरा नाम है रुद्रो। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो पर दिखाऊंगा कैसे आप फेसबुक का वीडियो टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन एंड दोस्तों जो थंबनेल होता है उसके साथ कैसे आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को कैसे आप अपलोड कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है और गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। देन गाइस यहाँ पर फेसबुक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको गाइस आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद वेबसाइट आपको गाइस यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। गाइस आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है। और इसके बाद गाइस यहाँ पर नीचे की तरफ जो कंटिन्यू ऑन डेस्कटॉप वर्जन है गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर गो टू ऑन फुल साइट, तो गाइस आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही कुछ देर के बाद यहाँ पर लोडिंग होने के बाद गाइस यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होंगे। तो गाइस आप देख सकते हो क्रोम ब्राउजर में फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे कॉन्टेंट लाइब्रेरी, तो गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइस इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अपलोड वीडियो। गाइस आपको यहाँ पर अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंगल वीडियो को क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर गाइस फाइल में जाने के बाद आपका मोबाइल में यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपका मोबाइल का जिस भी फाइल पर वीडियो है गाइस उस फाइल को आपको चूज़ करके यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद इसके बाद आपको पेज को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो मेरा फेसबुक में 2 पेज है, तो मैं इसलिए गाइस यहाँ पर एक पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो अपलोड के लिए। और इसके बाद पेज सिलेक्ट हो जाने के बाद वीडियो अपलोड होने में लग जाएंगे। और अगर गाइस आपका एक ही पेज है तो गाइस ऑटोमेटिक से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में वीडियो का टाइटल डालना है। जैसे कि गाइस आप यूट्यूब में भी देखते हो यहाँ पर वीडियो के ऊपर एक टाइटल होता है, गाइस आपको उसी तरह से यहाँ पर फेसबुक के वीडियो के ऊपर भी एक टाइटल आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर कुछ हैशटैग भी डाल दिया हो। और उसके ठीक नीचे है गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है, यहाँ पर गाइस आप फीलिंग भी सेट कर सकते हो जैसे कि आप फेसबुक पोस्ट में करते हो। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर गाइस वीडियो का टैग्स, तो गाइस यहाँ पर वीडियो का टैग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन, तो गाइस आपको यहाँ पर टैग्स ठीक से डालना है। जैसे गाइस आप कैसे टैग्स डाल सकते हो देखो यहाँ पर ठीक से, गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से आप टैग डालना और इसके बाद एक कॉमा लगा देना और थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे की तरफ जो ब्लू कलर का यहाँ पर टैग्स आ जाएंगे उसको आपको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद ही गाइस यहाँ पर वो टैग यहाँ पर सेट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से गाइस आपको वीडियो में आप जितना भी टैग्स डालना चाहते हो यहाँ पर डाल सकते हो गाइस यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर बहुत सारे टैग्स तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना वीडियो के रिलेटेड गाइस यहाँ पर 5-6 टैग्स यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह से आप टैग्स डाल सकते हो, यहाँ पर जैसे ब्लू कलर के यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे टैग्स उसको गाइस आपको क्लिक करना है। और इस तरह से गाइस आप टैग्स बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया वीडियो का टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। इसके बाद कैसे आप गाइस यहाँ पर थंबनेल सेट कर सकते हो, और इसके बाद आपको इस साइड में एक थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके गाइस आप थंबनेल सेट कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो का कोई भी पार्ट से भी थंबनेल सेट कर सकते हो, और चाहे तो गाइस यहाँ पर ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करके अपना गैलरी से भी कोई भी फोटो गाइस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो वीडियो के ऊपर। जैसे कि गाइस आप YouTube में देखते होंगे वीडियो के ऊपर एक फोटो रहते हैं जिसको गाइस थंबनेल कहते हैं, कुछ इस तरह से गाइस आप अपना Facebook के वीडियो के ऊपर भी थंबनेल सेट कर सकते हो। और इस तरह से गाइस आप वीडियो के ऊपर थंबनेल को सेट कर पाएंगे। तो गाइस फेसबुक में वीडियो जब तक अपलोड होंगे गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना है। और इसके बाद गाइस वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आपको इस साइड में एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होंगे। इस पेज में गाइस आप देख सकते हो इस तरफ से बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे गाइस आप देख सकते हो आपका वीडियो अगर 3 मिनट से ज़्यादा है तो गाइस यहाँ पर ग्रीन टिक्स आ जाएंगे। वीडियो में अगर टैग्स है, वीडियो अगर HD है तो भी गाइस यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएंगे। और यहाँ पर गाइस सारे ऑप्शन अगर ग्रीन टिक हो जाएंगे तो गाइस आपका जो वीडियो है वो पब्लिश करने के लिए एकदम रेडी है। गाइस मेरा देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर रेड है, इसका मतलब है मेरा वीडियो अभी प्लेलिस्ट में सेव नहीं है। गाइस यहाँ पर अपना वीडियो चाहे तो आप प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हो न्यू प्लेलिस्ट बना करके। अगर दोस्तों आप प्लेलिस्ट में सेव भी नहीं करते हो तब भी दोस्तों कुछ नहीं फर्क पड़ेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिश्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद ही गाइस यहाँ पर यूट्यूब की तरह ही फेसबुक का वीडियो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग में कुछ देर यहाँ पर टाइम लग जाएंगे। एंड इसके बाद गाइस जो आपका वीडियो है वो गाइस चेक होंगे, एंड दोस्तों प्रोसेसिंग होने के कुछ देर बाद ही आपका जो वीडियो है वो गाइस फेसबुक में अपलोड हो जाएंगे। और गाइस इसके कुछ देर बाद ही देख सकते हो मेरा जो फेसबुक का वीडियो था वो गाइस अपलोड हो चुका है। और इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर वीडियो का जो टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन एंड दोस्तों थंबनेल है वो गाइस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड हो चुका है।
तो गाइस आप भी कुछ इस तरह से ही फेसबुक का वीडियो को प्रॉपर तरीके से अपलोड कर सकते हो एंड दोस्तों फेसबुक वीडियो को आप वायरल कर सकते हो। उम्मीद करते हो दोस्तों वीडियो देख कर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को कर देना जरूर एक लाइक। मेरा इस छोटे से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक करके रखना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए।